हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पपीते से फ्रूट बोल बनाएंगे। हम इसे फ्रूट प्लेटर भी बोल सकते हैं। सबसे पहले पपीते पर होल बनाएंगे। अब होल के बाहर से नाइफ से बॉर्डर कट करेंगे। बॉर्डर कट करने के बाद अब हम बोल को सेपरेट करेंगे। बोल के सेंटर में एक सर्कल कट करके उसके बाहर के पोर्शन को हम निकाल देंगे। सर्कल के सेंटर में 5 या 6 कट्स लगाते हैं। अब सर्कल के बाहर 6 कट्स लगाकर हम 6 पेटल्स बनाएंगे। यहाँ पर मैंने गोल आकार की पंखुड़ियाँ कट की है। अब पंखुड़ियों के बॉर्डर पर भी कट बनाएंगे। फूल बनने के बाद 2 पेटल्स के बीच के पोर्शन को हम निकाल देंगे। अब फूल के 2 पंखुड़ियों के बीच में नई पंखुड़ी बनाकर हम फूल की दूसरी रो शुरू करेंगे। जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह पंखुड़ियां बनाकर हम फूल की दूसरी रो कंप्लीट करेंगे। इस रो में हम पंखुड़ियों के बीच में एक लंबा कट बनाते जाएंगे। फूल की दूसरी रो कंप्लीट होने के बाद फूल के बाहर के पोर्शन को हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम तीसरी रो शुरू करेंगे। तीसरी रो की पंखुड़ियों में हम 3-3 कट लगाएंगे। बीच में एक और उसके बाजू में एक एक कट बनाएं।
अब हम फूल के बाहर के पोर्शन को निकालकर एक बड़ा वाला सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल के एजेस पर छोटे छोटे वर्टिकल कट्स बनाएंगे। अब बोल के एजेस को हम क्लीन करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ में लाइक और शेयर भी करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। लाइन से दो स्लाइस कट करके टूथपिक से बोल के दोनों तरफ इसे लगा दे। स्लाइस से हमने बोल की व्हील बनाई है। बोल को चेरी, स्ट्रॉबेरी या ग्रेप से सजा दे। ये डिजाइन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कार्विंग के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।